एक समय था कि जब पानी पीने के लिए मिट्टी के घड़े हमारी किचन की शान बढ़ाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो संस्कृति लगातार लुप्त होती चली गई और उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसमें रेफ्रिजरेटर के जैसी कई इलेक्ट्रॉनिक सामान ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से लोकल फॉर वोकल का नारा दिया गया, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया और उसके बाद दोबारा से हमारी अपनी पुरानी संस्कृति लौटने लगी है। और यही बड़ी वजह भी है कि हमारे किचन में दोबारा से मिट्टी के बने घड़े या फिर अन्य सामान भी मिट्टी से बना हुआ ही अपनी शान बढ़ा रहा है और किचन में अपनी जगह बना रहा है। इस समय गर्मियों का मौसम है, लगभग जो पारा है वो 40 डिग्री के आसपास का है और पानी पीने के लिए सबका मन करता है कि वो ठंडा पानी हो, लेकिन साथ साथ हेल्थ की भी काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है और इसीलिए शायद ये बड़ी वजह भी है कि दोबारा से मिट्टी के बर्तन बिकते हुए बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं और लोग उसे काफ़ी ज़्यादा खरीद भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग पहले से ही कहते थे कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया हुआ और पानी जो है पीने से काफ़ी ज़्यादा सेहत आपकी अच्छी रहती है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी पानी होता है, मिट्टी में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि जो रेफ्रिजरेटर्स की बात करें उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं आजकल आपको मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकती हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं वो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। लेकिन मिट्टी के बर्तन ये पुरानी हमारी रीत है, रिवाज है, अपनी परंपरा है और शायद इसीलिए दोबारा से हमारे किचन की शान बढ़ाने लगे हैं।